अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल फ्लेवर्ड रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दालचीनी वाली लेमन टी। उसके लिए हमें ये एक नींबू चाहिए, ये छोटा टुकड़ा दालचीनी का चाहिए, 2 चम्मच चाय पत्ती और शहद। ये एक हर्बल टी है और उसके लिए हम सबसे पहले 2 कप पानी लेंगे केतली में। इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे और पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। ये पानी में हम ये दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, थोड़ी देर के लिए उबालेंगे, ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट के लिए। हल्का पानी गर्म हो गया है इसलिए हमने अभी डाल दिया है, इसको उबाल आने देंगे। ये देखिए पानी में उबाल आ गया है अच्छे से। अब इसमें हम ये खोलते हुए पानी में 2 चम्मच चाय पत्ती डालेंगे। हमें 2 चम्मच डाले। अब इसको हम गैस को स्लो कर देंगे और इसमें नींबू का रस डालेंगे। और नींबू का रस डालने के बाद हम गैस को ऑफ करके 2 मिनट के लिए ढक देंगे। हमने पूरा नींबू डाल दिया, आप रस निकाल के रख के भी डाल सकते हैं। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे, फिर इसको हम सर्व करेंगे। अब हम अपने पसंद के हिसाब से, ये हमने 1 चम्मच शहद डाला है, आपकी मर्ज़ी, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप किसी शुगर पेशेंट के लिए लेमन टी बना रहे हैं तो शहद मत डालिए। अब इसको हम कप में छान लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी चाय है, इसको एक बार ज़रूर बनाइए। सुबह आप खाली पेट इसको पीजिए, अगर मोटापा कम करना है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और स्किन के लिए हमारी लेमन टी बहुत ही स्किन में चमक आ जाएगी। इसमें हम 1 पीस ये नींबू का टुकड़ा डाल के सर्व करेंगे। ये देखिए हमारी लेमन टी दालचीनी वाली तैयार है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही अच्छी टी बनी है।